आज हम केमिकल रिएक्शन 10th क्लास का जो टॉपिक है केमिकल ट्राई को केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले होता है हमारे पास ये चार प्रकार की केमिकल रिएक्शन होती है। पहला कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है और सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी एरो के इधर होता है उसको रिएक्टेंट्स बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। और एरो के बाद का जो होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोडक्ट। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब जैसे कि आपको दिख रहा है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन मींस क्या होता है कि जब कोई भी रिएक्टेंट्स आपस में मिल जाते हैं और रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट सिर्फ एक बनाते हैं। ये दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट सिर्फ एक बनता है, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। यानी कंबाइन करके बन रहे हो, दैट इज कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2Mg+O2। और आपको एक और चीज दिख रही होगी, यहाँ पर मैंने एस लिखा है, यहाँ पर जी लिखा है, यहाँ पर एस। इनका मतलब होता है कि Mg सॉलिड फॉर्म में हमारे पास दिया गया। जब हमने रिएक्शन कराई तो Mg हमारे पास सॉलिड फॉर्म में और ऑक्सीजन हमारे पास गैसियस फॉर्म में। उसके बाद जो प्रोडक्ट बना दैट इज ऑल्सो सॉलिड फॉर्म, ये भी सॉलिड की फॉर्म में। देखो ये S लिखा हुआ, G लिखा हुआ और S लिखा हुआ। एस बोले तो सॉलिड, जी बोले तो गैस और एस बोले तो सॉलिड दिख रहा है। पहली रिएक्शन के बारे में बता दिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक बार क्या करा देता हूं कि जब भी जो रिएक्टेंट्स होते हैं दो या दो से ज्यादा होते हैं और कंबाइन होकर प्रोडक्ट एक बनाते हैं तो इस रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट सिर्फ अकेला होता है, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट इज कॉल्ड कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ये भी हमारे पास सॉलिड फॉर्म है, हम इसको हीट करते हैं यानी गर्म करते हैं, CaO और प्लस CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये हमने सॉलिड फॉर्म में लिया था, जब हमने इसको हीट दी ये भी सॉलिड फॉर्म में आया लेकिन ये गैसेस फॉर्म में आया। तो जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है वो जब एक रिएक्टेंट का दो या तीन में स्प्लिटिंग हो जाती है, जब टूट जाता है दो या दो से ज्यादा में स्प्लिट हो जाता है तो उस रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ा, फिर डीकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा, अब उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब होता है कि जो अपने प्लेस से डिस हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। अब यहाँ पर देखो CuSO4, ठीक है, कॉपर सल्फेट, ये AQ लिखा हुआ। AQ का मतलब होता है एक्वस। एक्वस मीन्स होता है जिसके साथ पानी की मात्रा ज्यादा होती है, मिली हुई, उसको बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, यानी जलीय विलयन, यानी कि पानी की मात्रा जिसके साथ ज्यादा होती है। CuSO4 में पानी ज्यादा मिला होता है इसको एक्वस कहेंगे। प्लस ZN यानी जिंक, जो सॉलिड फॉर्म में जब इन दोनों की रिएक्शन होती है तो देखो ZN क्या है, SO4 को लेकर चला गया, ZnSO4। और ये भी एक्वस फॉर्म में, प्लस Cu कॉपर अलग हो गया, दिख रहा होगा आपको ये कॉपर बिल्कुल सेपरेट हो गया, तो इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि अपने प्लेस से अलग हो जाना, दैट इज कॉल्ड अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसके बाद वाली चौथी रिएक्शन है हमारे पास डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है जब दोनों एक दूसरे के प्लेस को स्प्लिट कर देते हैं। जैसे AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट है, ये एक्वस फॉर्म में है, NaCl एक्वस फॉर्म में। अब आप यहां देखोगे आगे जो प्रोडक्ट में हुआ है AgCl को लेकर चला गया और NaNO3 को लेकर चला गया, अपने अपने स्थान को रिप्लेस करके उन्होंने एक दूसरे के स्थान पर चले गए हैं, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। अभी मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, उसमें ब्राइन होता है। ब्राइन का मतलब जानते हो, ब्राइन का मतलब कौन बता सकता है? ब्राइन का मतलब होता है सॉल्ट सॉल्यूशन, नमक का घोल। जो नमक का सॉल्यूशन होता है उसको ब्राइन कहते हैं। NaCl जो भी NaCl होता है उसका जो सॉल्यूशन होता है, देखो इसका अगर लिक्विड सॉल्यूशन है, पानी का सॉल्यूशन है, तो इसको ब्राइन कहते हैं। कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लेता है कि व्हाट इज ब्राइन, तो ब्राइन का मतलब होता है सॉल्ट सॉल्यूशन। सॉल्ट का फॉर्मूला होता है NaCl।